हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रिमोट रिपेयर करके दिखाने वाली। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये फुल डेड है, इसमें कोई भी लाइट नहीं चल रही। पहले मैं इसके सेल निकाल लेता हूँ। ये डिश टीवी का रिमोट है, तो पहले हम इसके सेल चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर आपको 20 वोल्ट रेंज पे सेट करना है। देखिए मल्टीमीटर की स्क्रीन पर आप से 1.44 वोल्टेज आने चाहिए। देखिए मल्टीमीटर के प्रोब्स को सही से लगा लेता हूँ, तो एक सेल ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं। तो मैं पहले रिमोट को खोल लेता हूँ। तो साइड से इसको खोलना है आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, और इसको आपको धीरे धीरे खोलना है। इसमें लॉक लगे हुए थे अंदर से, तो आपको धीरे धीरे खोलना है जिससे कि लॉक टूटे ना अंदर से। इसमें क्या प्रॉब्लम है सो सकती है आपको, अब कुछ को दिखा देता हूँ। पहले मैं सबसे पहले मैं आपको इसकी आईसी दिख रही है वो देखिए गाइस। पहले मैं देखिए गाइस इसकी आईसी, एक थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आयरन की मदद से जरूर मैं इन आईसी के पिनों पे सोल्डिंग कर लूँगा आयरन की मदद से, जिससे कि ये कार्बन आने की वजह से इसके ऊपर से कार्बन आने की वजह से इसके सोल्डिंग इसके हल मॉइस्चराइजर आ जाता है। तो इसके ऊपर से भी थोड़े थोड़े हीट देंगे आईसी को के ऊपर आयरन निकाला नहीं है, इसके ज़्यादा हल्के हल्के हीट देनी है। तो मैं प्रॉपर तरीके से इस आईसी की पिन को सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो सारी पिनों को आपको सोल्डिंग कर लेना है, और अच्छे से साफ भी करना है ब्रश की मदद से, जिससे कि कोई भी एक्स्ट्रा सोल्डर चिपके ना। ठीक है, इसमें कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। आपके पास भी ऐसा कोई रिमोट होगा तो आप भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हो घर बैठे। तो आपका ये डिश टीवी का, आप किसी भी रिमोट को डीटीएच और टीवी का भी इस तरह रिमोट आता है वो भी आप कर सकते हो, डीवीडी का। तो मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। पहले देखिए गाइस, थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से हीट मारने, आयरन को आपको रखना नहीं है आईसी के ऊपर, ज़रा सी मतलब हीट मारने जिससे कि इसके प्रोग्राम काम करने लगे। और इसमें कैपेसिटर के भी ऊपर थोड़ी सी मॉइस्चराइजर आ गया है। देखिए इसमें छोटा सा एक कैपेसिटर भी लगा होता है साइड में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, एक इसकी लेग भी निकल रही थी, तो मैं इस पर सोल्डिंग कर लेता हूँ अच्छी तरीके से मजबूत। तो पांडू ला जी, तो वो ए पांडू, और मार क्या कहिए दे ए बढ़िया काटिया काटिया। देखिए गाइस, थोड़ा सा मैं सोल्डर ले लेता हूँ। देखिए गाइस, और अच्छी तरीके से आपको सोल्डिंग करनी नहीं है मजबूत तरीके से। तो आयरन को हम जब मैंने सोल्डिंग कर लिए जिसके पिनों पे आईसी के और कैपेसिटर के पे भी हम देखिए गाइस, तो हमें एक्स्ट्रा शोल्डर को मैं निकाल लेता हूँ। तो इसे ब्रश से भी साफ कर लेना है, जिससे कि देखिए गाइस मैं जिस तरह साफ कर रहा हूँ इसे साफ करना है ब्रश से, जिससे अंदर एक्स्ट्रा शोल्डर चिपके ना। तो
इसके ये भी हम साफ़ कर लें। इसके ऊपर के एलईडी एक लेंस ही है ये, देखिए भी मैं इसके साफ़ कर लेता हूँ। इसके अंदर भी थोड़ा कचरा फंस रहा था तो ऐसे ही हम इसे पैक कर लेते हैं। जिस पहले था ये रिमोट, देखिए गाइस इसके बटन भी मैं लगा लेता हूँ। तो इसके ऊपर एक कैप आता है पहले वो लगा लेता हूँ। देखिएगा ये छोटा सा कैप होता है जिससे कि एलईडी प्रोटेक्ट रहे। देखिए मैं इसे लगा लेता हूँ। तो मैंने ये लगा लिया है, अब मैं वैसे ही पैक कर देता हूँ जैसे रिमोट था पहले। और इसे हम चेक आपको करके दिखाता हूँ मैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब की कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचे। और आप भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए गाइस रिमोट ओके तरीके से चल रहा है, आपको एलईडी चल रही दिखाई दे रही होगी। देखिए गाइस ओके।